नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता और स्वागत है आपका पंजाब अपडेट्स में। नए दिन की शुरुआत करेंगे पंजाब की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में बड़ी वारदात, पुलिस मुलाजिमों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 13 शूटरों सहित 19 गैंगस्टर गिरफ्तार। पंजाब विधानसभा बजट सत्र में पहले दिन हुआ हंगामा, पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग, रडार पर लगे ये गंभीर आरोप। पंजाब बजट सत्र शुरू, सिद्धू मूसेवाले को दी गई श्रद्धांजलि, मूसेवाले हत्या मामले में गायक मनकीरत औलक को मिली क्लीन चिट। पंजाब में आने वाले दिनों में फिर बढ़ेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के जालंधर के फगवाड़ा महेड़ू में बीते दिनों पुलिस मुलाजिमों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जालंधर में पुलिस नाका तोड़कर भागे आरोपी ने फगवाड़ा में इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कपूरथला पुलिस द्वारा एक मामले का दोषी राजन जालंधर की पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर फगवाड़ा की ओर आ रहा है, जिसके बाद फगवाड़ा पुलिस ने गांव महेड़ू के पास नाकाबंदी की। उक्त कार सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करके अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालंधर जिले से गैंगस्टर की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जालंधर के देहाती पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब पुलिस ने हथियारों सहित गैंगस्टर पिंदा निहालूवाल गैंग के 19 मेंबरों सहित हथियारों को गिरफ्तार किया, जिनमें 13 शूटर्स हैं। गिरफ्तार शूटरों के पास से 11 हथियार और 8 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा के साथ 2 वाहनों को बरामद किया गया है। मान सरकार का पहला बजट सत्र विधानसभा में शुरू हो गया। इस दौरान पंजाब के कई मुद्दों को लेकर चर्चा छिड़ी गई है। जी हां, और मुद्दों पर बहस भी हुई। इस दौरान स्पीकर संधवा ने कहा कि यह विधानसभा लोगों की समस्याओं पर बातचीत करके उनका हल निकालने के लिए है। बजट सत्र के दौरान प्रताप बाजवा और सीएम मान के बीच नोकझोंक हुई। प्रताप बाजवा ने कहा कि सीएम मान खुद बोले कि उनकी जान को खतरा है। विपक्ष और नेता प्रताप बाजवा ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, जिस कारण पंजाब विधानसभा दौरान काफी हंगामा हुआ। पूर्व परिवहन मंत्री व मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर आरोप लगे हैं। ये आरोप राजा वड़िंग पर राजस्थान से बनवाई बसों की बॉडी को लेकर लगे हैं। जी हां, कहा जा रहा है कि बसों की बॉडी बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर राजा वड़िंग रडार पर नजर आ रहे हैं। ये बॉडी 840 सरकारी बसों को लगाई गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 30 करोड़ 24 लाख रुपए का चूना सरकारी खजाने को लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री पर प्रति बस 3 लाख रुपए से अधिक अदा करने का इल्जाम है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के नेतृत्व में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के साथ शुभदीप यानी कि सिद्धू मूसेवाला सहित 11 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में 2 मिनट का मौन धारण कर सब खड़े हुए, इन दिवंगत रूहों को श्रद्धांजलि दी। मूसेवाला हत्या मामले में विवादों में घिरे गायक मनकीरत औलक को क्लीन चिट मिल गई है। AGTF के चीफ प्रमोद बान ने मनकीरत को क्लीन चिट दी है। प्रमोद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनकीरत औलक का नाम उनकी जांच में सामने नहीं आया है। वहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग गैंगस्टरों के समर्थकों द्वारा पोस्टर डालकर मनकीरत औलक को मूसेवाला की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। वहीं अगर मौसम की खबर की तरफ रुख करें तो मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में अभी गर्मी और सताएगी। वहीं एक हफ्ते बाद बारिश के आसार हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों में आज के मैक्सिमम और मिनिमम तापमान की बात करें तो आज जालंधर में मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। लुधियाना में आज मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। अमृतसर में आज मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। पटियाला में आज मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से चलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।